हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। ठीक है जी, तो आज हम आपको उप्स के बारे में बताएंगे, उप्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कंपनी हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनी गेप सिटी। ठीक है, तो ये इसका टेक्निकल राउंड है। ठीक है, जिसमें कि टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं हम। तो बोलता है कि इज़ इट पॉसिबल फॉर ए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास टू एक्टिवेट अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास। क्या ये पॉसिबल है कि एक मेंबर फंक्शन जो होता है क्लास का, वो अनदर मेंबर ऑफ फंक्शन को एक्टिवेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? ठीक है, तो गाइज हमारे पास ऑप्शन चार दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी सुटेबल आंसर है उसको फाइंड आउट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप, मेरा काम है आपको क्वेश्चंस बताना। ठीक है, कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करती हैं और कैसे क्वेश्चन पूछती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, तो आंसर देखिए इसका कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोलता है कैन टू क्लासेस कंटेन मेंबर फंक्शन विद द सेम क्लास। ठीक है, तो ये बात करता है हमारे पास। तो उसके बाद बोलता है कि हमारे पास ऐसा हो सकता है कि टू क्लासेस कंटेन द मेंबर फंक्शन विद द सेम क्लास। ठीक है, तो इसमें हो सकता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमारे पास ए बी सी डी आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए कौन सी स्टेटमेंट फिट बैठती है, और जो भी स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का आपको पता नहीं चाहिए कि कहाँ पे लिंक्ड है वो। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द टेम्पलेट फंक्शंस। टेम्पलेट फंक्शंस का पर्पस क्या होता है बेसिकली? ठीक है, सिंगल फंक्शन बोलता है कि टू अलाउ करता है सिंगल फंक्शंस टू बी यूज्ड विद वेरिंग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, टू हाइड द सेम नेम ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द लिंकर एंड ऑल्सो टू इम्प्लीमेंट कंटेनर क्लासेस एंड ऑल्सो टू परमिट द यूजर वर डिगोट बर्ड आउट द दिस वन लाइक। ठीक है, तो ये है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे टेम्पलेट फंक्शंस हमारे पास। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ द फंक्शंस कैन बी एक्सेस प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। ठीक है, तो किस तरह के जो फंक्शंस होते हैं एक्सेस करते हैं प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इसमें देख लिए हमारे पास ए बी सी डी जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, कौन सा सुटेबल आंसर है इसमें और कौन सा लिंक्ड है इसके साथ। ठीक है, बोल द बट टेक्निक इज यूज टू स्टेप थ्रो आइटम्स ऑफ द कंटेनर क्लास। ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और इटरेटर। ठीक है, तो इसमें भी देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इटरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन व्हेन ए ड्राइव क्लास प्रोवाइड्स ए फंक्शन ऑलरेडी प्रोवाइडिंग इन द बेस क्लास। ठीक है, तो टर्म क्या यूज डिस्क्राइब करती है ये सिचुएशन को, जन ए ड्राइव क्लास प्रोवाइडेड ए फंक्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द बेस क्लास। ठीक है, तो ये है हमारे पास। बोलता है इनहेरिटिंग, ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन और नो। ठीक है, तो चार के चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, उसका मतलब कि आपको ये प्रैक्टिस करना है कि इनहेरिटिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, और इसको लिंक करना है क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन जनरल। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, नेम होता है इसमें, प्रॉपर्टी होती है, और उसके बाद बी ऑप्शन हमारे पास बोलता है नेम होता है, प्रॉपर्टी होती है, बिहेवियर होता है, इन इट कैन एक्ट एज रिसीविंग ए मैसेज। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट के बारे में बात करते हैं। तो बोलता है हमारे पास जो बंडलिंग होता है, बंडलिंग डाटा मेंबर्स टुगेदर विद द फंक्शंस इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये होता है बोलता बंडलिंग डाटा मेंबर्स टुगेदर विद द फंक्शन इज कॉल्ड डाटा हाइडिंग, एनकैप्सुलेशन, डाटा मॉर्फिजम्स, डाटा बाइंडिंग। ठीक है, व्हाई इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजफुल। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजफुल किस लिए है हमारे पास, इट सपोर्ट्स अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी ई। ठीक है, वो है हमारे पास। बोलता है ये सपोज यू वांट टू डेवलप टू डिफरेंट प्लस ऑपरेटर्स दैट कैलकुलेट एंड रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो बोलता है ए में हमारे पास था वन ऑपरेटर मस्ट बी ए फ्रेंड एंड अदर मस्ट नॉट। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। उसके बाद इनहेरिटेंस क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इनहेरिटेंस, ठीक है, बोलता हमारे पास ए बी सी डी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ई भी दिया हुआ है। ठीक है, इनहेरिटेंस किस से लिंकेड है डायरेक्टली, वो चीज़ देखनी है हमने। ठीक है,
बताओ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ए क्लास एंड इट्स पब्लिक पेरेंट क्लास, ठीक है, ए क्लास एंड पब्लिक पेरेंट क्लास, ठीक है, तो ये है हमारे पास, इनके बीच में रिलेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, तो ये है हमारे पास ए, ठीक है, इज ए हैज़ ए, इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड एज ए, ठीक है, यूजेज एज ए एंड बिकम्स ए, ठीक है. हाउ डज इनहेरिटेंस रिलेट टू अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, इनहेरिटेंस अब्स्ट्रैक्शन से कैसे लिंक्ड है, ठीक है, ए बेस क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ऑल इट्स ड्राइव क्लासेस, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हर ऑप्शन को देखिए कि कौन सा कहाँ पे लिंक्ड है, ठीक है. तो उसके बाद 14th है हमारे पास, ठीक है, तो वो बोलता है कि हमारे पास वाई कांट कंपाइलर हार्ड कोड डायरेक्ट कॉल टू वर्चुअल फंक्शंस, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, बोलता है कि जो कंपाइलर होते हैं ना वो जो हार्ड कोड होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉल्स टू द वर्चुअल फंक्शन, जो वर्चुअल फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है, तो बिकॉज हार्ड कोडिंग द फंक्शन कॉल वुड स्लो कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम टू मच, ठीक है, तो स्लो कर देता है कंपाइलेशन प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो है हमारे पास. उसके बाद ये हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में आता है, व्हाट इज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ए प्रोटेक्ट मेंबर ऑफ द बेस क्लास विच इज़ एनिटेड प्राइवेटली, ठीक है, जो प्राइवेट है, बोलता है हमारे पास एक्सेसिबिलिटी प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास, ठीक है, विच इज़ एन इनहेरिटेड प्राइवेटली, ठीक है, तो वो चीज़ है, बोलता प्राइवेट बिकॉज द प्राइवेट इनहेरिटेंस मेक्स एवरीथिंग फ्रॉम द बेस क्लास प्राइवेट इन द ड्राइव क्लास, ठीक है, तो इसका आंसर इन्होंने डायरेक्टली दे दिया हुआ, ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस आपके पास चार ही होंगे, ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच, आगे हम डाटाबेस का क्वेश्चन शुरू रिवाइज करेंगे, ठीक है, मतलब रिवाइज करेंगे और आपके लिए हम प्रैक्टिस में इसके सारे क्वेश्चंस बताएंगे. थैंक यू सो मच गाइस, अगर